हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ काजू के फायदे, जो जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। आइए जानते हैं इसके बारे में। चाहे मिठाई में काजू कतली हो या दूसरे पकवानों में काजू का इस्तेमाल, काजू किसी भी आम डिश में शाही माना जाता है और इसे शाही लोग मानते भी है, क्योंकि वाकई में ही काजू काजू है। हमारे देश में काजू लगभग हर घर में खाया जाता है या लगभग हर कोई उपयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं इससे होने वाले फायदों के बारे में। हमें ये जान लेना सबसे जरूरी है कि काजू में बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्षमता होती है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। काजू में गुड फैट्स जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड और अन्य अनसेचुरेटेड फैट जैसे कि ओलेट एसिड होते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत ही कारगर और अच्छे साबित होते हैं। आपकी बॉडी के लिए ये बहुत ही कारगर होता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को यानी LDL का स्तर भी बहुत जल्द कम करता है और दिल के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। ओमेगा और अनसेचुरेटेड फैट ना कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बल्कि अपने आप के ट्राइग्लिसराइड को भी हद से कम करता है, जिससे दिल का स्वास्थ्य सही रहता है और दिल की बीमारी से आप बिल्कुल ही परे रहते हैं। हाइपरटेंशन दूर करने में बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन सॉल्टेड काजू खाने से बचना चाहिए। इसमें इसकी मात्रा का नुकसान करने वाला हो सकता है, क्योंकि ये सॉल्टेड काजू आपको पूरी तरह से फायदा नहीं पहुंचा पाते। काजू में प्रोटीन काफी होता है। ये जान लें कि प्रोटीन शक्ति को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही कारगर साबित होता है। आपकी बॉडी को पूरी तरह से शक्ति और एनर्जी देने में ये बहुत ही फायदेमंद होता है। 100 ग्राम काजू में आपके दिन की जरूरत का 36% पूरा एनर्जी मौजूद होता है, और अगर आप 100 ग्राम काजू पूरे दिन में खाते हैं तो आपको पूरे दिन की जो भी एनर्जी चाहिए होती है और जो भी पोषक तत्व चाहते हैं वो 36% फील कर देता है। प्रोटीन शरीर के विकास के लिए जरूरी होता है, साथ ही साथ प्रोटीन हर किसी को, शाकाहारी लोगों के लिए ये बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण है। ये पूरी तरह से प्रोटीन उपलब्ध कराता है। काजू में मैग्नीशियम भी होता है, जो शरीर में कैल्शियम का अवशोषण आसान बना देता है, जैसे डायबिटीज नियंत्रण करना। इसमें सबसे कारगर होता है डायबिटीज को नियंत्रण करने में। इसमें बहुत ही कारगर गुण पाए जाते हैं, जो आपके डायबिटीज को कम करने में बहुत ही हद तक मदद करता है, और काजू काफी फायदेमंद भी है। दरअसल काजू इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे मधुमेह नियंत्रित रहता है। बहुत से लोग मधुमेह में, खास करके डायबिटीज में, इंसुलिन सुई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यही उनके पास एक लास्ट ऑप्शन रहता है। लेकिन अगर आप काजू खाते हैं तो इसमें इंसुलिन की मात्रा उपलब्ध है और वो बहुत हद तक आपकी बॉडी को इंसुलिन भी देता है, यानी बिना इंजेक्शन के भी, बिना साइड इफेक्ट्स के भी आपको मधुमेह को भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। दांतों के लिए भी काजू बहुत ही फायदेमंद है। काजू में एनाकार्डे एसिड मौजूद होते हैं, जो कि दांतों को नुकसान पहुंचाने से बचाते हैं। इतना ही नहीं, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुण ये है कि ये बहुत हद तक अनीमिया से भी बचाता है। महिलाओं के लिए ये बहुत ही कारगर साबित होता है। हर हफ्ते 28 काजू खाने से महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे 25% बॉडी की प्रॉब्लम्स जैसे कि ब्लड की कमी, प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, इसको ये 25% तक कंप्लीट कर देता है, और महिलाओं में होने वाली प्रॉब्लम, बीमारियों की जो जोखिम होती है, उसे 25% तक कम कर देता है। और ये सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो। अगर आप 28 नहीं, प्रत्येक दिन 5 या 10 काजू खाते हैं, या इससे ज़्यादा भी खा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा खाने से नुकसान नहीं होता, लेकिन 5 या 6 काजू का सेवन करें, जिससे ये आपकी बॉडी को स्वस्थ और हेल्दी रखने में आपकी मदद करेगा और आप खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।